वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा टी केक बनाएंगे, वो भी चूल्हे पे भी और ओवन में भी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, सबसे पहले तो हमें घर में इन्वेंटोरी लेनी है। इन्वेंटोरी से मतलब ये कि घर में झांकना ताकना है कि हमारा सबसे बर्बाद पतीला कौन सा। तो वो बर्बाद पतीले को आप रखेंगे चूल्हे पे और ऐसी चीज़ में केक बनाएंगे कि वो सांचा जो है वो पतीले में जा सके। साइज़ ऐसी होनी चाहिए कि सांचा छोटा हो पतीला बड़ा हो। तो बेसिकली इसमें हमने नमक नहीं डाला, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई नमक डाल के बेक करने में मीठी चीज़ों में सॉल्ट का एहसास होता है, तो हम बिना सॉल्ट के बनाएंगे। तो अब ये देखें, ये पतीले में ये बर्बाद पतीला होता जा रहा है, इसमें एक स्टैंड रखा हुआ है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप क्या कहते हैं किसी किस्म की कोई प्लेट भी उल्टी स्टील की रख सकते हैं या कोई बर्तन भी रख सकते हैं। एनीवेज, तो ये मीडियम पे हमने रखा हुआ है, प्री हीट हो रहा है। तो अब झटपट हम जब तक जाते हैं और केक बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडे फोड़ेंगे 3। ये मशीन में हरगिज़ बनाना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए बेस्ट वे क्या है पता है? अगर आपके पास केक मिक्सर हैंड मिक्सर है तो उससे करें, ना हो तो वो विस्क ले लें, किसी भी चीज़ से। रूबी के किचन की एक रेसिपी लगाएं और ये दोनों चीज़ों को फेंटना शुरू करें। रेसिपी ख़त्म होगी, ये फट जाएगा। चले, तो अब 3 अंडों में हम 1 कप शक्कर डाल देते हैं। ये देखें हमारी बारीक है थोड़ी, लेकिन पाउडर नहीं चाहिए, बेसिकली रेगुलर शुगर ही चाहिए। तो इसको हम लेके और स्टार्ट करते हैं और विस्क करना शुरू करते हैं। जब तक ये क्रीमी ना हो जाए, जब तक करना है, मैं आपको बताऊंगी कब तक। चले, तो जब तक हम क्या करते हैं, जिस पैन में हमें बनाना है उसे हमें ग्रीस करना है, उसके नीचे कुछ पेपर बिछाना है। अगर आपके पास ब्राउन पेपर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास रेगुलर घर का ये वैक्स पेपर है। तो ये हम एक बर्तन ऊपर रखेंगे नीचे का और ये ड्रॉ कर लेंगे। अब बस इसको हम काट लेंगे। अब आपके घर में घी हो या मक्खन हो, जो भी हो, उससे हम इसको ग्रीस करेंगे। तो बस घी हो चाहे बटर हो, किसी भी चीज़ से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। ब्रश होना ज़रूरी नहीं है, उंगलियों से भी कर सकते हैं। चले, अब ये पेपर लगा देंगे इसमें हम। नीचे इसलिए लगाया कि ताकि पेपर चिपकने में आसानी रहे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी लगा लेंगे, पेपर पे भी, साइड में भी लगा लेंगे अच्छे से। और साइड में थोड़ा सा हम आटा को डस्ट कर लेंगे। इससे क्या है कि बड़े अच्छी तरीके से केक निकल आता है। तो थोड़ा सा ये मैदा है हमारा, इसको लेंगे और हर जगह ये कर लेंगे इस तरह, जो एक्सेस होगा उसको निकाल लेंगे। तो ये इसी तरह हम एक और भी रेडी कर लेंगे। तो बस ये हो गया। देखे कितना खूबसूरत सा लाइट येलो हो गया है, जब तक हमें बीट करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताती चलूँ, बेकिंग में हमेशा हर चीज़ रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। अगर अंडे पहले से फ्रिज में रखे हुए तो निकाल के रख लें, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3/4 कप तेल डाल देंगे, रेगुलर घर में जो भी हम खाना बनाते हैं ना, सरसों वरसों का नहीं, रेगुलर ऑयल। ये 3/4 कप 3/4 कप तेल डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दूध, रेगुलर दूध, ये भी ठंडा नहीं होना चाहिए, बाहर रखा हुआ होना चाहिए। और अब हमारे पास देखें यहाँ मैदा है 1/2 कप। अच्छा, मैदा मेजर करने का तरीका ये है कि पहले तो आप मैदे को यूं यूं कर लें, अच्छी तरीके से इसमें एयर भर लें। एयर जब शामिल हो जाए तब आप मेजर करेंगे, और मेजर इस तरह से करेंगे जैसे मैं बताती हूँ कि ये फुला लिया, उसके बाद मेजर करेंगे और ये 1 कप हो जाएगा इस तरह से। ज़्यादा नहीं भरेंगे वरना अच्छा नहीं बनेगा। तो ये बेसिकली हमारा 1/2 कप मैदा है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर,
अब आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और चाहें तो वेनिला भी डाल सकते हैं। अगर वेनिला है तो डाल दें, अदरवाइज इलायची का पाउडर भी डाल दें। तो मैं एक टीस्पून यह वेनिला डाल रही हूँ और अब इसको हम डालेंगे बेकिंग पाउडर के साथ, छान के डाल देंगे। बस अब कुछ काम ही नहीं करना है हमें। देखें कितना सिंपल था, बस जो काम करना था वो तो रूबी के किचन की रेसिपी फिनिश हुई और हो गया। अब इसको बस हल्का सा मिक्स करना है हमें। बस हो गया ये, इसमें हमें ज़्यादा नहीं करना है, मिक्स ही करना था। वहाँ हमारा ओवन जो है वो प्री हीट है 350 फ़ारेनहाइट एंड 175 सेल्सियस, ये आसपास से देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। इसको हम इक्वली डाल देते हैं अपने दोनों बर्तनों में। ये हो सके जब तक हमने इक्वली निकाल लिया, और ये एक जाएगा हमारा चूल्हे पे। और अब इसको हमने 15 मिनट हो गई है, ये मीडियम पे गरम हो रहा था, अब इसको हम मीडियम हाई कर देंगे, मीडियम हाई कर देंगे 5 मिनट के लिए, और उसको रखने जाते हैं हम ओवन में। चले तो ओवन वाला 35 मिनट का मैंने टाइमर सेट कर दिया है, 35 मिनट में मिलेंगे। इसको 5 मिनट हम मीडियम हाई पे रखने के बाद मीडियम से ज़रा सा नीचे कर देंगे, मीडियम लो थोड़ा सा, मैं बताऊंगी 5 मिनट बाद। तो चले 5 मिनट में मिलते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको मीडियम से थोड़ा लो कर देते हैं और वेट रख देते हैं। तो इसके लिए हम मिलेंगे आपसे 45 मिनट्स में, और ओवन में केक गया हुआ है, 5 मिनट हो गए हैं, तो उससे मिलेंगे 30 मिनट्स में। तो 30 मिनट्स में केक देखेंगे कि कैसा लग रहा है। देखिए 35 मिनट्स हो गई है और केक की खुशबू इस कदर आ रही है पूरे घर में। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि कैसा लग रहा है। चले टूथपिक डाल के देखते हैं, अगर क्लीन निकली तो सही है, देखें बिल्कुल क्लीन है। तो चले अब इसको निकाल लेते हैं हम। बस अब 10 मिनट के लिए हम इसे पैन में ही रखेंगे, फिर निकालेंगे जब तक ये भी हो गया होगा। देखिए 10 मिनट से ही ठंडा हो रहा है। चले अब चेक कर लेते हैं कि इसके क्या हाल है वाले। वाह, इसके हाल तो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा है। चले अब टूथपिक डाल के देखेंगे क्या सिचुएशन है। देखें बिल्कुल क्लीन आ रही है, ये भी हो गया। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको भी निकाल के रखते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब दोनों को उल्टा करेंगे साथ। देखिए ये थोड़े थोड़े ठंडे हो गए, तो अब हम इसको उलटते हैं। पहले तो मेक श्योर कर लेते हैं कि भाई ये लूज़ है कि नहीं। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि हमने इतना उसमें ड्राई पाउडर आटा घी सब इतना लगाया कि चांसेस है ही नहीं कि ना निकले। देखे कितना लूज़ ही है और दिखने से ही लगता है कि उसने छोड़ दिया है किनारे। तो एनीवेज अगर आपका ऐसा लगता है चिपका हुआ है तब आप छुरी वो करें। और ये फिर हम यहाँ रखेंगे और इसको उलट देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, अब इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ये भी किनारे कितने छूटे हुए हैं, साफ दिख रहा है। तो अब इस तरह भी निकाल सकते हैं कि यूँ रखा और ये चटक दिया। चले इसको भी सीधा कर लेते हैं। और ये देखिए कितना बाउंसी है, कितना नरम नरम है। अब क्या करते हैं हम इसमें, हमारे पास यहाँ शहद है और यहाँ एप्पल जेली है, ये देखें दोनों क्लियर। तो इस पर हम थोड़ा सा एक पे लगाएंगे जेली और एक पे लगाएंगे शहद, इससे क्या शाइनी भी लगेगा, मज़ेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चले इस पर लगा देते हैं हम जेली। और इस पर लगा देंगे हनी शहद। चले ये तो हो गया ज़बरदस्त सा। और अब हम 10 मिनट ठहरेंगे, ज़रा सा रूम टेम्परेचर और होगा, फिर स्लाइस करेंगे तो बेहतरीन कटेगी। अभी थोड़ा सा गर्म है, फ्रेश फ्रेश है। तो मिलते हैं 10-12 मिनट में।
देखें रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया, अब हम काटते हैं। और हमसे तो सब्र नहीं हो रहा क्योंकि खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। तो चले अब काटते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा है। नीचे से रैपर निकालते हैं। खूबसूरत सी स्लाइसेस करते हैं। चलो इसको अब हम सजाते हैं। धुआं निकल रहा है अभी भी थोड़ा थोड़ा। चलो अब ये वाला काटते हैं, इसका भी नीचे से निकालते हैं। देखिए कितना जबरदस्त सा बेक हुआ है। मानते हैं, देखें कैसा गजब का। देखा कैसा शानदार सा हमारा सस्ता सस्ता सा घर में केक बन गया। ना मक्खन गया, ना घी गया और ना कुछ एक्सपेंसिव आइटम गई। आप लोग हर रोज मुझसे कहते थे ना कि टी केक दें, टी केक दें, कि कोई मेहमान आए टी के साथ हम भी खाएं और मेहमानों को भी दें। तो अब देखिए मैंने दोनों तरीके से बनाया, ओवन के लिए भी बनाया और चूल्हे के लिए भी बनाया। और अब मैं आप लोगों को खा के बताती हूँ कि कितना अच्छा है ये, क्योंकि मुझे पता है ये खुशबू कह रही है कि मुझे खाओ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो देखिए मैं पहले चूल्हे वाला ट्राई कर रही हूँ। तो ये है हमारा चूल्हे वाला। तो ये देखें इसकी बाउंसीनेस देखें आप, ये देखें कितना बाउंसी है, कितना सॉफ्ट है। और इसको मैं ट्राई करती हूँ। हेवन हेवन। वैसे भी पता है आप लोगों को प्लेन केक मेरा फेवरेट है। मुझे ये जो क्रीम्स वगैरह सब आ जाते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा खाने में अच्छा लगता है, लेकिन ये तो लगता है ओह माय गॉड ख़तरनाक लगता है अगर अच्छा बना हुआ हो तो, बहुत ज़बरदस्त है। चले अब मैं ओवन वाला ट्राई करती हूँ। ये ओवन वाला है, कितना शानदार है ये भी। ये देखें चाय की इतनी तलब हो रही है, आप लोगों की भी बहुत हो रही है। दोनों का कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा है, सेम है। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओवन में बना रहे हैं कि चूल्हे पे बना रहे हैं। आपको बार बार खोल के नहीं देखना, आपका राइज नहीं होगा सही से, क्योंकि वो बेचारा हो रहा होगा और फिर जब गर्मी जाएगी तो वो रुइंड हो जाएगा सारा। जो टाइम दिया है उस हिसाब से देखिएगा, जो इसे चूल्हे का बताया है इस हिसाब से ही रखिएगा। और दूसरे ये कि रूम टेम्परेचर सारी चीज़ें यूज़ करनी है, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं हो, सब रूम टेम्परेचर हो, फिर आप लोगों का भी शानदार बनेगा, मार्केट हिला देने वाला, बल्कि बिजनेस शुरू कर देंगे मुझे तो लग रहा है आप लोग। चले जल्दी जल्दी जाएँ, जाके बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।